वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C। और एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम लोग पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली। तो क्वेश्चन 26 कह रहा है, सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो इक्वेशन दिख रहे ना, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो नो रियल रूट्स है, ये प्रूफ करके दिखाना है। नो रियल रूट्स की बात की गई, नो रियल सोल्यूशन की बात की गई। अब नो रियल रूट्स होता क्या है वो समझो। देखो यहाँ पर आना पड़ेगा पेज नंबर 195 में और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स कब होता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है जीरो से। इस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं रूट्स? नो रियल रूट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें यही प्रूफ करके दिखाना। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा किससे? जीरो से। कब होता है? जब हमारा नो रियल रूट्स होता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां पर ए बी सी क्या है, ये देखो, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब बी क्या होता है, ये एक्स का कोफिशियंट है जो कि -8 है। और यहां पर सी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास तीसरा टर्म जो कि होता है कांस्टेंट वाला, ये हो गया हमारे पास 18। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू को पुट कर दो तो ये बी हो जाएगा -8 का स्क्वायर और यहां पर आ गया -4 into a मतलब 1 into c मतलब 18 आ गया। अब -8 का स्क्वायर होगा 8 8 64, वो भी प्लस का। अब यहां पर -4 है और यहां पर हमारे पास 18 है, 18 into 4 कर दोगे तो यहां पर 72 आ जाएगा। तो यहां पर कर दिया हमने 72। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा हमें कितना, 6 2 8, वो भी माइनस का 8 मिल गया डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को चेक करो, क्या ये डी जीरो के बराबर है या छोटा है या बड़ा है? तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस का है और माइनस की जो भी वैल्यू होती है ना वो हमेशा जीरो से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट छोटा है जीरो से। तो इस कंडीशन में हमारे जो इस इक्वेशन के रूट होंगे वो होंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, हो गया ये क्वेश्चन का सलूशन। कितना सिंपल था ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है। यहाँ क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अच्छा इसमें ना के की वैल्यू पूछ ली गई है। कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव नो रियल रूट्स। यहाँ पर ना k की वैल्यू पूछी गई और कहा गया भैया k की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो नो रियल रूट्स हो जाएंगे। ये हमसे पूछा गया, मतलब कि हमें k की वैल्यू यहाँ पर सिंपल सा फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना वो देखो जरा। देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है ना, और इस इक्वेशन ने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें ऐसी वैल्यू बतानी k की कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसका रूट बन जाए नो रियल रूट्स। हमें पता है नो रियल रूट्स कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो जाएगा a और यहाँ पर x का कोफिशियंट हो जाएगा हमारे पास -12 और c का लास्ट टर्म है ना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास k, ओके c हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करो तो यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू b, b मतलब -12 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -4 into a into c, ये माइनस k हो गया, ये आ गया हमारे पास। और -12 का होता है 144, 4 4 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का यहाँ पर आ गया 16k। अब देखो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड कर लिया, क्या आया 144 प्लस 16k आ गया। इतनी बात क्लियर है? अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना जो डिस्क्रिमिनेंट था वो जीरो से छोटा था तो यहाँ पर लिखा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ओके। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर हम लिख सकते हैं 144, यहाँ पर प्लस कर दिया 16k कर दिया और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारे पास जीरो। अब एक काम करो कि यहाँ पर हमारे पास जो 16 है ना, इसको उठा के ये पूरे को उठा के इक्वल के इस साइड ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, या फिर इसको ले जाओ, इन दोनों में से किसी को भी ले जाओ, हम 16k को यहीं लिख देते हैं और फिर ये 144 है ना इधर आ जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया k, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में 144 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 16। अब 16 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये चला जाएगा 16 9 जा,
ठीक है, 69 जा जाएगा और यहाँ पर हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल गई -9। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सोल्यूशन। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने k की वैल्यू कितनी इजीली फाइंड कर ली, ठीक है ना, कितना इजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 28 है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 28 कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, और जो इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। समझ में आया? फिर से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल्स टू जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल बता दिया गया, बट यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि हमारे जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल रूट है कि अनइक्वल रूट है कि भैया नॉट रियल रूट है, ये नहीं बताया गया ना। तो ये क्वेश्चन ना करने का जो इसका सोल्यूशन होगा वो भी थोड़ा सा अलग होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 और 27 किया ना, उससे ये थोड़ा सा अलग है। अब कैसे अलग है उसको देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि भैया जो हमारे पास रूट्स हैं इसके वो रेसिप्रोकल है। मान लो जो पहला रूट है वो a है, तो दूसरा रूट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर आप बोल दो कि अगर जो इसका रूट है पहला वो है अल्फ़ा, तो दूसरा इसका जो रूट होगा ना वो भी हो जाएगा 1/α। अगर मान लो इसका जो पहला रूट है वो है b, तो दूसरा जो रूट होगा ना वो 1/b हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके रूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द रूट, ठीक है, लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं यहाँ पर है ये अल्फ़ा और दूसरे रूट को मान लेते हैं ये 1/α। दो रूट होते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा और यहाँ पर हमने कर दिया है 1/α। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो b/a होता है, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारे पास रूट्स, ये हो जाएगा हमारे पास c/a हो जाएगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ओके, ये होता है -b/a। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू c/a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर b और a है क्या, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a होता है, x का कोफिशियंट b होता है और कॉन्स्टेंट टर्म होता है k। यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, तो b की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, x का कोफिशियंट -10/, यहाँ पर हो गया हमारे पास a हो गया 3। अब यहाँ पर c है ना हमारे पास, c क्या है हमारे पास, ओके, माइनस भी यहाँ लगाए तो यहाँ पर ब्रैकेट में बाहर लगा दो। अब यहाँ पर c है, c हमारे पास क्या हो जाएगा, k, तो यहाँ पर आ गया k और a की जगह में आ गया 3। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने हमसे कहा था भैया k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब क्या है, जो हमारे पास रूट्स है ना उन रूट्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ कहते हैं अल्फा इंटू 1/, जो अल्फा होगा वो बराबर हो जाएगा k/3 कर दिया, अल्फा से हमारे पास अल्फा कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर किस में, डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू के। तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिल गई, 3, और यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना इजी था, बहुत इजी है। ये जो हमने आपको बताया ना, ये फॉर्मूले हैं, इनको भी रट लो आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल क्वेश्चन 28 की तरह है, ये कह रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन दिस इज आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, ठीक है। आगे कह रहा है रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब के की वैल्यू निकालो, भैया बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ना हमें फिर से वही करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, उसी की हेल्प से हमें इसको करना है सॉल्व। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट का फॉर्मूला यहाँ पर पहले लिख देते हैं, पहले तो हम लेट कर लेंगे रूट, तो यहाँ कर दिया लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू, हमने पहले वाले को मान लिया अल्फा, दूसरे वाले को फिर से मान लिया 1/α, ठीक है। अब यहाँ लिखा हमने सम ऑफ रूट कर दिया, सम ऑफ जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा, फॉर्मूला होगा -b/a, और यहाँ कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया रूट्स, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो c/a हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब ये -b/a है ना, ये b क्या हो रहा है, x का कोफिशियंट 13 है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, a क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 5 है। अब यहाँ पर c क्या है हमारे पास, k हो गया, और a हमारे पास हो गया 5, ये हो गया k/5 हो गया, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हो रहा है जो हमारे पास रूट है ना, जो हमने लेट किया है, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू वन अपॉन, यहाँ कर दिया हमने अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन हमने कर दिया फाइव, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, फाइव यहाँ पर किसमें हमारे पास ये है मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू मिल गई है फाइव, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 30 है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के की वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ पर हमें एक चीज गिवन है वो है इसके रूट्स। रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। रियल और इक्वल रूट कब होता है? तो यहाँ पर पेज नंबर 195 में आ जाओ, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट तब होता है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है जीरो के। किसके बराबर होता है? जीरो के। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो देख लो। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी थी, है ना, देखो ये खत्म भी होने वाली है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जब कभी भी बराबर होता है जीरो के, तब होते हैं रियल और इक्वल रूट। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कॉन्स्ट, ठीक है, और बी होता है हमारे पास एक्स का कोफिशियंट, और सी होता है हमारे पास थ्री। ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बी स्क्वायर जो कि है हमारे पास के के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू हो गया हमारे पास सी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया के स्क्वायर, थ्री फोर जो हो गया हमारे पास ट्वेल्व, ओहो थ्री फोर जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व थ्री जो हो जाएगा 36। ओके ये आ गया। अब हमने क्या बताया था कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो वो बराबर होगा जीरो के, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो यहाँ लिखा हमने डी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। 36 माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 36। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के इस साइड जाएगा रूट, तो यहाँ पर आ गया 36। अब रूट हटेगा तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 6, क्योंकि 6 6 होता है 36। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी के की वैल्यू है वो एक बार 6 प्लस की है और एक हमारा 6 है माइनस का। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 पर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 31 है ये क्या कह रहा है, ये भी हमें लगता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या होगी ताकि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बराबर होता है जीरो के, तभी तो रियल और इक्वल होते हैं ना। चलो इसको भी करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 31 का हमने इक्वेशन जो कि है 9x स्क्वायर और है माइनस 3ax प्लस 1 है इक्वल्स टू कर दिया जीरो के, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है भैया रियल और इक्वल, रियल इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है जीरो के, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, बी होता है एक्स का कोफिशियंट जो कि है माइनस 3a, और सी होता है लास्ट टर्म, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर लिख दिया हमने बी जो कि है माइनस 3a, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए हो गया हमारे पास 9 और सी हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, 4 9 हो जाएगा हमारे पास 36 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके बराबर है? जीरो के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस कर दिया हमने 36 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना है यहाँ पर? जीरो, ठीक है। अब ये 36 माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो गया। अब 9a के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, इससे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 4 का अंडर रूट, और ये अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, वो भी प्लस माइनस का। तो हम लोग लिख सकते हैं जो ए की वैल्यू है वो आई है एक बार प्लस की 2, और दूसरा हमारे पास माइनस का 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 32 है ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट।
हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है ताकि इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें ना, तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल आ जाए। तो कहने का मतलब यही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में किया है वही काम क्वेश्चन नंबर 32 में भी करना है। अब कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लो इसकी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में, ये हमको गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है प्लस के, और ये हो गया हमारे पास 2x, ये हो गया प्लस प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले जो ये k है ना, इस k के अंदर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास 2xk हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस के प्लस हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2xk यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है, इसको कैसे करोगे? ये थोड़ी इक्वेशन अलग दिख रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको बोलो ये हमारे पास x का कोफिशियंट है, ये x वाला, और ये पूरा है हमारे पास तीसरा टर्म, इसको पूरा तीसरा टर्म कर दो, बस हो गया हमारा सॉल्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो रूट है वो क्या है, इक्वल है और रियल है, तो वो भैया डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब ए बी सी लिख लो, यहाँ पर ए क्या होगा भैया, एक्स का कोफिशियंट कुछ नहीं मतलब 1, बी क्या होगा एक्स का, सॉरी ए होता है एक्स स्क्वायर का, बी होगा एक्स का जो कि होगा 2k होगा, और यहाँ पर जो सी है वो पूरा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू कर दिया हमने, ओके इक्वल्स टू क्यों कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पर डी इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर हो गया प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 4 का इसमें कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर, और यहाँ पर भी आएगा तो माइनस 4k हो गया, और 4 टू जा 8 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब देखो 4k स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस का था और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, और ये प्लस का था ये माइनस का, तो प्लस माइनस हो गया हमारे पास माइनस, ये ऐसे आएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4k माइनस 8 आ गया, ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब हमने बताया था कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर है 0 के, तो यहाँ पर हो गया 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4k, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2, और k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। तो k हमें फाइंड करना था, और यहाँ पर k हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 32 नहीं 31 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 32, हमने यहाँ पर गलत डाल दिया, क्वेश्चन 31 तो यहाँ सॉल्व किया था, ये है क्वेश्चन 32, और यहीं से हमारा जो क्वेश्चन सारे हैं ना एक्सरसाइज 4C के वो पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 4C के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसकी जो लिंक होगी ना वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और 4C में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, इसमें शायद 70 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पर 77 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4D।